स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 है बेटा, और हम इसमें डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू ax प्लस बी, और यहाँ दिया हुआ है हमें bx प्लस 3। यहाँ गिवन है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये जब लेना है जब x ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर जो हमारा फंक्शन fx है वो कंटिन्यूस है किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो आपको रिलेशन फाइंड करना है a एंड b में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, सबसे पहले तो देखो हमें गिविन क्या, हमें ये गिविन है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है 3 पर, तो यानी कि ये बात अंडरस्टूड है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है। हमें अब ये प्रूफ नहीं करना है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है, ये बात हमें गिविन है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर अगर कंटिन्यूस है तो हमें ए और बी की वैल्यू में रिलेशन निकालना है। तो क्योंकि फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है, तो इट्स मीन दैट फंक्शन की जो वैल्यू आएगी 3 पर वो इक्वल टू होगी फंक्शन की लिमिट के। फंक्शन की लिमिट इन द सेंस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, ये तीनों चीजें इक्वल होगी। सबसे पहले आप f3 को कैलकुलेट करो कि f3 हमारा कितना होगा, तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि फंक्शन में x इक्वल टू 3 पर क्या है। x इक्वल टू 3, देखो ये रहा x इक्वल टू 3, यहाँ है ना नीचे आ रहा है 3 का साइन इक्वल टू का, तो आपको क्या करना है f3 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, x की जगह पर 3 पुट कर देना है। जैसे ही आप x की जगह यहाँ 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3a प्लस बी। f3 की वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस बी। ठीक है, f3 आ गया, उसके बाद ये तो f3 की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और fx, 3 माइनस का मतलब है कि x इज लेस देन 3, है ना, x 3 से छोटा है, लेस देन 3, देखो ना लेस देन 3 देखो कहाँ है, ग्रेटर देन 3 तो यहाँ x इज लेस देन 3 यहाँ पर है ना, लेस देन और इक्वल टू 3, तो लेस देन 3 के लिए फंक्शन कितना है ax प्लस बी, तो यहाँ पर हम फंक्शन ax प्लस बी ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पर हम फंक्शन ले लेंगे ax प्लस बी। ठीक है, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है आपको, x की प्लेस पर 3 माइनस h पुट कर देना है, तो यहाँ तो आप ले लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की प्लेस पर रख देंगे हम 3 माइनस h प्लस बी। एच टेंड टू कितना है, 0 है ना, ये तो 0 हो गया, कितना आ गया 3a प्लस बी आ गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL आ गया 3a प्लस बी। अब क्या करना है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है RHL एट x इज इक्वल टू 3 पर, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, 3 प्लस का मतलब है x 3 से ग्रेटर है, 3 प्लस यानी 3 से कुछ ज्यादा है, तो x की वैल्यू 3 प्लस यानी कि 3 से ग्रेटर, देखो यहाँ x इज ग्रेटर देन 3, फंक्शन की वैल्यू कितनी है bx प्लस 3, तो यहाँ पर हम bx प्लस 3 यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ रख देंगे आप bx प्लस 3। फिर वही तरीका है सॉल्व करने का, आपको x की प्लेस पर 3 प्लस h रख देना, तो b इंटू x की जगह पर हमने 3 प्लस h रख दिया बेटा, प्लस 3 हो गया, लिमिट कितनी है हमारी h टेंस टू 0, जैसे ही h टेंस टू 0 पुट करोगे आप, तो ये तो 0 हो गया ना, h टेंस टू 0 पे 0 हो गया, कितना बचा आपके पास, आ गया यहाँ पर 3b प्लस 3, है ना, बी गेट 3b प्लस 3, जब हमें 3b प्लस 3 मिल गया, ये RHL आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर आपको कहाँ रखनी है, इसमें पुट करनी है आपको, ठीक है, यहाँ पुट करनी है F3 में, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर देखो F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू आपने निकाली है 3a प्लस बी। अब ये देखो LHL कितना है 3 पर, 3 पर LHL आपका है 3a प्लस बी, तो देखो ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ये तो सेम ही हो गए, 3 प्लस पर हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली 3b प्लस 3,
ठीक है। हमने क्या करा, हमने 3a प्लस 3 को इक्वल टू रख दिया 3b प्लस 3 के, है ना, 3b प्लस 3 के इक्वल रख दिया। अब आप यहां से खुद कैलकुलेट करो कि हमें यहां से क्या वैल्यू मिलती है ना, a और b में क्या रिलेशन आता है, चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा अच्छे से, 3 माइनस 3 प्लस, ठीक है, 3b प्लस 3, यस 3a प्लस, 3a प्लस 1 आया था एक हमारा, है ना, यस, इसको इक्वल टू रख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे आप इक्वल टू रखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू b, है ना, गेट a इक्वल टू b, ये a और b में रिलेशन आ गया, ठीक है। bh प्लस b था, bh प्लस 3 था, फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूस था, हमने LHL कैलकुलेट करा, RHL कैलकुलेट करा, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी, तीनों को इक्वल रखा, तीनों को इक्वल रखने से हमारी वैल्यू निकल के आ गई a इक्वल टू b, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज कर लिया है, यहाँ पर आपकी बुक में ax प्लस 1 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर ax प्लस b लिया है, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, 17 क्वेश्चन में एनसीईआरटी में यहाँ पर ax प्लस 1 गिवन है, आप उसको अपने तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने ax प्लस b ले लिया, मैंने ax प्लस b से सॉल्व किया है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको उस समय आंसर आएगा a इक्वल टू बी प्लस 2/3, ठीक है, ये आंसर आएगा जब आप यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ 1 ले लोगे बी की जगह, तो वो क्वेश्चन आप खुद करिएगा एनसीईआरटी वाला, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि जो फंक्शन हमारा है एफएक्स, क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन एफएक्स जो है वो हमें गिवन है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन 0, फिर हमें गिवन है 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 4 व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फिर ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक ही क्वेश्चन हमसे दो बातें पूछी जा रही है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो उसने कहा है कि भाई लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो जिससे कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूअस लेते हैं तो इसका मतलब है फंक्शन की जो वैल्यू 0 पर आएगी वो वैल्यू इक्वल टू होगी उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट के एट 0 और राइट हैंड लिमिट, है ना, 0 पर। तो आपको सबसे पहले एफ 0 कैलकुलेट करना, व्हाट इज एफ 0, 0 के इक्वल फंक्शन देखो कहाँ है, यहाँ पर है 0 के इक्वल, जैसे ही आप इसमें 0 पुट करोगे एफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यू गेट एफ 0 इज 1, ठीक है। फिर LHL की बात करते हैं, 0 माइनस फंक्शन, 0 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 0, अब देखो x लेस देन 0 कहाँ पर है, देखो यहाँ x लेस देन 0 है, फंक्शन कितना है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स टेंस टू 0 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना जानते ही हो, यहाँ तो आ जाएगा कितना लिमिट h टेंड टू 0 और x की प्लेस पर आप लिख दोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 लैम्डा टाइम्स बेटे कितना हो गया h स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस
2h, लेकिन माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ये 2h हो गया। जैसे ही आप जीरो को यहाँ पर सब्सिट्यूट लोगे करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जीरो, है ना, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू लैम्डा जीरो हो गया, ये वैल्यू जीरो में क्या अराउंड आ गई हमारे पास। तो आप देख रहे हो कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो वन आई है और जो आपकी लिमिट आई है वो जीरो आ गई, है ना। तो इसका मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गया जीरो पर, तो लैम्डा की वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें रीजन क्या दिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रीजन ये देना पड़ेगा कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई द कंडीशन, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई द कंडीशन, समझ रहे हो ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ गई, वो जीरो पर वन आ गई और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमें दिख रहा है जीरो आ गई, तो इक्वली नहीं आई, तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन जब डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो लैम्डा की वैल्यू जब निकलेगी जब फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं। तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई द कंडीशन, है ना, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाई द कंडीशन, ये लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी अगर फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है ही नहीं, है ना। तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई अगला पार्ट में क्या पूछा, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी के लिए क्या कहना है, चलो देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू वन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू वन पे कैलकुलेट करेंगे, फिर फंक्शन की वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर फंक्शन की वन पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर फंक्शन की वैल्यू वन पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अब देखो वन कहाँ पर पड़ेगा, वन जीरो से छोटा तो होता नहीं है तो वन यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन हाँ वन जीरो से बड़ा जरूर होता है, तो वन यहाँ एग्जिस्ट होगा, है ना, वन यहाँ एग्जिस्ट होगा, तो एफ वन की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, तो एफ वन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ वन पुट कर दो जरा, कितना आ गया 4 × 1 + 1, तो ये तो आ गया 5, एफ वन की वैल्यू 5 आ गई। अब इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है 1 माइनस, है ना, 1 से कुछ कम, फंक्शन की वैल्यू 1 से कुछ कम लेने पर, देखो 1 से कुछ कम, कुछ कम, तो 1 से कुछ कम का मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपका जो फंक्शन है वो तो डिफाइन किस पर है, जीरो पर डिफाइन है, जीरो यहाँ है, वन यहाँ है, तो वन से कुछ कम इधर होगा, लेकिन जीरो से तो बड़ी चीज है वो, अगर x 1 से बड़ा है तब भी वो 0 से बड़ा तो है, तो 1 से कुछ कम पर भी x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 वाला ही लेंगे, 4x प्लस 1 लेंगे यहाँ पर भी, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पर भी मैं 4x प्लस 1 लूंगा, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 4 × 1 − h + 1, 0 पुट किया 1 4 + 1, ये 5 आ गया, तो दोनों चीज़ अभी तक तो सेम आ रही हैं। इसी तरीके से फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं 1 पे, RHL एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, है ना, देखो फंक्शन 1 से बड़ा है, 1 प्लस यानी कि अब भी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ग्रेटर देन 0 पर गया, 4x प्लस 1 लेंगे फिर से, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये यह देखो यहाँ पर जैसे ही आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 लेना पड़ेगा, यह हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1 बेटा, ये 0 हो गया, तो आपके पास आया 4 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी 5। तो ये आप देख रहे होगे आपका फंक्शन कंटिन्यूस आ गया, देखो ये भी 5 आया, यहाँ भी 5 मिला आपको, यहाँ भी 5 मिला, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्लियरली क्या है, कंटिन्यूस है, लैम्डा की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिना लैम्डा की वैल्यू लिए ही फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या वो कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, इसमें लैम्डा की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लैम्डा कहीं इस इक्वेशन में आया ही नहीं, लेकिन फंक्शन बिना लैम्डा आए ही कंटिन्यूस हो गया, तो इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो फंक्शन हमेशा हमारा यहाँ पर कंटिन्यूस बना रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, ठीक है भाई। तो इसको तो हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में,
आप अच्छे से समझें क्वेश्चन को, दोबारा से कोई दिक्कत हो पूछ लेना। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम जब भी फाइंड कर सकते हैं जब आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। आपको उस पॉइंट पर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल रखनी होती है, तभी आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।